So hey guys, welcome back. So thank you for 1K subscribers. And आज इस वीडियो में हम करेंगे हम मेरे Airbnb रूम का व्लॉग जहाँ मैं क्वारंटीन हुआ हूँ. So without wasting time, let's begin. तो स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस से. तो यहाँ ये एंट्रेंस है जहाँ से एंटर होना है. देन आफ्टर द एंट्रेंस यहाँ सबसे पहले यहाँ डाइनिंग टेबल आता है. तो डाइनिंग टेबल पे अभी हम तो लैपटॉप और वो सब रख के नाश्ता भी करते हैं और पढ़ाई भी यहीं करते हैं क्योंकि दूसरा कोई टेबल अभी है नहीं. फिर नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फ्रिज का. तो फ्रिज यहाँ ओनियन और वो सब पड़ी हुई है, ओनियन पोटैटोस. तो ये हमारे ऊपर हाउस के ऊपर एयरबीएनबी में ऊपर ओनर ही रहते हैं. तो उन लोगों से हमने पूछा कि क्या आपके पास ग्रोसरी है. तो उन्हें उन लोगों ने हमें प्रोवाइड की है. तो फ्रिज भी है यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आधे एयरबीएनबी में फ्रिज और किचन की फैसिलिटी नहीं होती. तो मेक श्योर आप पूछ लें. तो सारा सामान रखा हुआ है हमने फ्रिज में सामान तो हमने सब रखा ही है. ये रॉ वेजिटेबल्स है, ये डायरेक्ट कुक वाले. एंड सब चटनी ये सब हम लेके आए थे. फिर टिफ़िन भी कल रात का था तो हमने टिफ़िन रख दिया है. डायरेक्ट टिफ़िन मंगवाया था तो इतनी क्वांटिटी आती है कि एक टिफ़िन में दो खा लेते हैं या तो फिर दूसरे टाइम भी हो जाता है. एप्पल्स ये सब एप्पल तो होटल में हमें बहुत दिए थे. किचन एरिया में ये कॉफ़ी मेकर आपको आना चाहिए क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सब जगह आपको कॉफ़ी मेकर मिलेंगे. यहाँ कॉफ़ी डालनी है या पानी डालना है और आपकी कॉफ़ी प्रिपेयर हो जाएगी. फिर आपको वाइटनर या तो फिर शुगर एक्स्ट्रा डालनी हो तो डालना. आप ये लेके आना चॉपर, बहुत ज़रूरी है. देखो खुल गया, ये बोल रहा है कि बहुत ज़रूरी हूँ मैं. तो चॉपर, किचन एरिया, फिर गैस. तो ये गैस हमारा है अभी इलेक्ट्रिक गैस स्टोव है. फिर दूसरे इंडक्शन आते हैं एंड इंडक्शन फिर दूसरा गैस वाला आता है जिसमें फायर आता है. तो इट्स द इंडक्स इट इज़ द इलेक्ट्रिक टाइप. या 1, 2, 3, 4 नॉब्स है और ये ओवन का नॉब है जो नीचे कन्वेक्शन से चलता है. पूरा कन्वेक्शन का सिस्टम है और यहाँ एक ट्रे नहीं है, अदरवाइज हम ओवन भी यूज़ कर सकते हैं. पीछे फैन होना चाहिए ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ है नहीं, आई एम नॉट श्योर. और यहाँ आपको ये फैन चालू कर देना होता है. पर्पोज ऑफ द फैन इसके यहाँ जो स्मोक है वो चली जाएगी क्योंकि यहाँ स्मोक सेंसिटिव होता है. स्मोक अलार्म स्टार्ट हो जाता है तो स्मोक अलार्म स्टार्ट ना हो जाए इसलिए आपको ये जब भी आप कुकिंग करोगे तो ये स्टार्ट कर देना होता है सो दैट स्मोक चली जाए और यहाँ फायर अलार्म स्टार्ट ना हो जाए. हमारे एयरबीएनबी में उन लोगों ने यूटेंसिल्स भी प्रोवाइड किए हैं. फिर ऑयल, टेबल शुगर, टेबल सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट तो आप ला नहीं सकते फ्लाइट में. फिर ये शुगर जो हमने ओनर से बोला कि हमारे पास शुगर नहीं है कि आप प्रोवाइड करोगे तो उन लोगों ने प्रोवाइड किया. फिर ये वाइटनर, किटली है, आधे यूटेंसिल्स हमारे हैं. यहाँ सारे यूटेंसिल्स है ओनर के है, ये सारे ओनर ने प्रोवाइड किए. ग्लासेस, प्लेट्स, फिर ये तवा, ये कढ़ाई जो भी है ये सारा ओनर के है. ट्रे, फिर यहाँ सारे चम्मच, कांटे सब है, नाइफ. फिर यहाँ ये सब किचन के यूटेंसिल्स, आपको कुछ कढ़ाई से कुछ निकालना हो, ये सारा सीन है. फिर लास्ट सेक्शन में कुछ नहीं है, ये डस्टबिन बैग्स है. ये रहा हमारा डस्टबिन. तो डस्टबिन में सब वेस्ट रखने के लिए हमारे डस्टबिन बैग्स है. फिर यार आई गेस दिस इज टोस्ट बनाने के लिए है. और आपको एक टाइम दिया होता है, उतना टाइम करना होता है. मैंने ये यूज़ नहीं किया है बट इट्स साउंड रियली गुड. माइक्रोवेव
माइक्रोवेव में अगर आप पिज़्ज़ा मंगवाते हो तो इट वुड बी अ गुड चॉइस, पिज़्ज़ा, पोटैटो, इवन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यू कैन यूज इट, नो इश्यू। कबोर्ड्स, और ये है मेरे फ्रेंड का लगेज, इतना सारा, बहुत सारा लगेज लेके आया है ये, 3 बैग्स। एयर इंडिया वाले ने 3 बैग क्या बोल दिया, सारे लोग 3 बैग में इतना भर भर के आते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये पीछे हमारा सोफ़ा, तो ये सोफ़ा कम बेड है, तो आप ऐसे यहाँ से निकालोगे तो नीचे से बेड हो जाएगा पूरा, और 1% यहाँ एडजस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। और नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे बेडरूम, ये बेडरूम का सीन है, ये आई गेस क्वीन साइज बेड है, लैम्प, एक दो लोग तो आराम से सो जाएंगे, लेकिन हमें तो प्रॉब्लम आती है, दो बॉयज है इसलिए, और मेरा फ्रेंड तो फोर्थ लेवल का जायंट है, मैं भले सेकेंड लेवल का जायंट हूँ। टीवी, टीवी पे आप ऑलमोस्ट यार नेटफ्लिक्स, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम होगा तो इट वुड बी अ गुड चॉइस, क्योंकि आप आपका नेटफ्लिक्स का पासवर्ड यहाँ डाल के आप यूज़ कर पाओगे। एंड अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो यू कैन स्टार्ट यूट्यूब, और आपके एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट कर देना है, सो देर वुड बी नो प्रॉब्लम। हमारे छोटे गणपति संकट से दूर रखते हैं। कबोर्ड्स, कबोर्ड में ये रहे COVID-19 की किट, यूट्यूब स्टार्ट हो गया, तो ये किट देते हैं हमें ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अराइवल, COVID-19 की किट देते हैं, और ऑन द 10th डे हमें सेल्फ टेस्ट करना होता है वीडियो कॉल से। तो आज हमारा 8th डे है, लेकिन 10th डे को जब मेरा टेस्ट होगा तो उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा। सो ये पूरा वीडियो कॉल में होता है, इसके अंदर किट होती है और हमें वीडियो कॉल से बात करनी होती है उनसे, एंड वो आके सैंपल कलेक्ट करके ले जाते हैं। और नीचे दो कबोर्ड्स, एंड ये हमारा लगेज रूम है, तो आप यहाँ लगेज में जो चाहे वो रख सकते हो। मेरा, मैंने तो बहुत रफ रखा है लगेज। बुक्स, यहाँ आपको आयरनिंग हिस्ट्री है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। देन इट्स ड्रायर, सॉरी सॉरी, हैंगर, हिस्ट्री करना हो तो। सो ये लगेज रूम में आपका पूरा ऑलमोस्ट लगेज तो आ जाएगा, 3 बैग्स है, वो 3 बैग्स आ गए मेरे। नेक्स्ट हम चलते हैं वॉशरूम, सो वॉशरूम का तो क्या सीन है, छोटा सा वॉशरूम है, हेलो एंड यस हैंड वॉश, टॉवेल्स, और यहाँ बाथटब है, तो वॉशरूम का तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट, कोई इश्यू नहीं आएगा। और यहाँ शावर जेल है, शावर जेल, शैम्पू, कंडीशनर, सोप आपका आपका आप लेके आना, दैट्स इट। एंड फाइनली हम बात करेंगे लॉन्ड्री के बारे में, तो यहाँ ओनर ने हमें लॉन्ड्री भी प्रोवाइड की है, तो हम चलते हैं लॉन्ड्री में। तो लॉन्ड्री बाहर है, एंड यहाँ तो वाईफाई है, यहाँ कोई और रह रहा है, और मेरा फ्रेंड पता नहीं फैमिली के साथ बात कर रहा होगा अभी। फैमिली यार, अभी उसके कनेक्शन बहुत है तो कनेक्शन बढ़ा रहा होगा। हेलो, हाय। वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में कुछ बहुत सिंपल सीन है, यहाँ वाटर लेवल्स होता है, आपको वाटर लेवल सेट करने होते हैं, और आपको सिर्फ कपड़े रख देने होते हैं, और पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, आपको फाइनल पानी रख देना होता है, अराउंड 12 हॉट वॉश आपको कर देने होते हैं, 12 हॉट वॉश, और फिर यहाँ से कपड़े हो जाए वॉश तो आपको यहाँ ऊपर ड्रायर में रख देने होते हैं, यहाँ आपको ड्रायर में रख देने होते हैं और ड्राई हो जाते हैं, और ये भी अराउंड 75 या तो फिर 45 मिनट जो आपको अच्छा लगे वो आपको रख कर देना होता है। ये पूरा सीन, सो दैट्स इट। सो ये सीन है, एंड फाइनली हीटर, तो हर एक रूम, जो भी रूम होगा उसके ऊपर ऐसा, हाँ, यहाँ ऊपर हीटर होंगे,
ये आपको, तो यहाँ से आपको ओपन करना होता है, तो आपका रूम का रूम टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सिमिलरली ये बेडरूम में भी ये इजीली एक्सेसिबल है, तो ऐसे करके क्लोज हो गया और आपको ऐसे करके ओपन कर देना होता है। दैट्स इट, ओपन एंड क्लोज। और अगर आपको टेम्परेचर सेट टेम्परेचर का कोई इश्यू आता हो तो आप आपके ओनर से बात कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज माई Airbnb रूम टूर। एंड यहाँ हम क्वारंटाइन हुए हैं, मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों यहाँ क्वारंटाइन हुए 11 डेज के लिए आफ्टर 3 डेज होटल क्वारंटाइन। और ये मार्कम स्ट्रीट में है, मार्कम में है ऑन द रॉक्सबरी स्ट्रीट साइड। और हमने Airbnb में $650 में बुक किया था, सो अराउंड ईच को $325 हुआ। एंड या वी आर सेटिस्फाइड, किचन है और सारी फैसिलिटीज हमें मिल जाती है। सो दैट्स इट माई रूम ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच गाइज़।